एवरेज पावर इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। अगर आपको एलसीआर सर्किट याद हो तो हमने एलसीआर सर्किट में ये किया था, देखो एलसीआर सर्किट में क्या किया था कि आपके पास ये याद करो वी एल था, ये वी सी था, ये वी आर था और ये करंट था। हमने ये माना था कि वी एल ग्रेटर देन वी सी है, तो नेट जो ई एम एफ है, नेट ई एम एफ की वैल्यू ये आई थी एट एन एंगल ऑफ फाई। हमने क्या बोला था, वोल्टेज आगे है करंट से बैन एंगल ऑफ फाई, या करंट पीछे है बैन एंगल ऑफ फाई। तो इक्वेशन भी मैंने बना के दिखाई थी, अगर ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी तो एल सी आर में करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस क्या कर देना है, फाई। तो ये इक्वेशन है। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, ई इन टू आई, ये ई है ये आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी राइट साइड पे ले गए। इसके बाद जो मैंने मैथ लगाया है बिल्कुल नहीं लगाना, क्रॉस सीधी लाइन लिखनी है ऑन इंटीग्रेटिंग, बस ऑन इंटीग्रेटिंग, बस सीधा इसको इंटीग्रेट करेंगे। एनसीईआरटी किताब ही लिखती है ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टी बाई टू, बस इस पूरे की इंटीग्रेशन आपको कुछ नहीं देगी, ये देगी टी बाई टू, ये स्टेप लिख लेना सीधा, बस ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, बस ये सीधा ये स्टेप आएगा, ठीक, बस सीधा ये स्टेप आएगा। टाइम नीचे आ गया, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम ई नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाई, तो यहाँ पर क्या बन गया, टू को ब्रेक करो रूट टू रूट टू, तो एवरेज पावर की वैल्यू एल सी आर के अंदर क्या आ गई, ई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉस ऑफ फाई। इसे नोट कर लें प्लीज, एल सी आर के अंदर ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, क्योंकि फाई का मतलब एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। अगर ओनली रजिस्टर हो तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो फाई जीरो होता है, फाई जीरो का मतलब कॉस जीरो वन है, तो देखो ई आर एम एस आई आर एम एस। ओनली इंडक्टर ओनली कैपेसिटर में फाई 90 होता है, क्योंकि वोल्टेज करंट में एंगल 90 है, तो कॉस 90 जीरो, आंसर जीरो। अदरवाइज एल सी आर में तो ये फॉर्मूला है ही है, यहाँ तक क्लियर है।